मैं नासिर हूँ और आई एम सराउंडेड विद दी स्टूडेंट्स और काफ़ी चर्चा हो रहा है आजकल की रिजल्ट्स आए हुए हैं नीट के और बच्चों ने टॉप किया है माशाल्लाह और वो सारे बच्चे मेरे साथ हैं एंड यहाँ पे तौकीर मेरे साथ हैं। तौकीर हैज़ गॉट दी थर्ड रैंक इन द वैली नीट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो। इनसे हम बात करेंगे एंड ऑफकोर्स ऑल दी अदर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो कि पीछे रह गए हैं कि वो कहावत है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। आप फिर से ट्राई करें, इंशाल्लाह अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे। सो आज की जो इंटरेक्शन है वो यही ज़रूरत उसकी यही है कि हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें जो है उनका ख्याल रखना है एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो है वो सीखने को हमें भी मिलेगा। सो आई हैव दीज फ्यूचर डॉक्टर्स विद मी, यंग गन्स हु हैव जस्ट क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। और पहले मैं बात करना चाहूँगा तौकीर से ही। तौकीर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसे सम अप करना चाहोगे अपना ये सफर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी और अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, इन सबों का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनके बिना शायद मेरे लिए ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल होती। इन्होंने मेरा ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाया। मैं 11th में ये कोचिंग आया था, यही पारीपुरा श्रीनगर का ही। यहाँ से मैंने 11th 12th और इंट्रेंस तीनों क्लासेज यही पढ़ी और इसके बाद मैं नीट के लिए प्रिपेयर हुआ 2021 में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट स्कोर रहा 680। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी हम अभी बात करेंगे और इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे। और मेरे से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिले। और कहते हैं ना कि अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी का एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलता है तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ द की। और एक बहुत अच्छी बात जो है इफ़ाम ने बताई कि पहला अटैम्प्ट इन्होंने दिया तो डिस्करेज नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं आप सेकेंड अटैम्प्ट देना। तो पहले अटैम्प्ट के बाद आपको लगा कि डिस्करेजमेंट आ जाएगा? डिस्करेज हुआ था पहले, लेकिन फिर जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किया तो अच्छे से सेल्फ एक्सप्लोरेज हुई, फिर मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स पे फोकस किया तो हर कहीं से कंटेंट लिया और पढ़ा और एग्जाम दिया और अच्छी। एब्सोल्युटली। सो हियर इज अ फिटिंग एग्जांपल फॉर यू कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। पहला अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेकेंड अटेम्प्ट में माशाल्लाह ही हैड 607 मार्क्स और नाउ ही इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। सो अभी हम एक और स्टूडेंट से बात करेंगे, शाहिद उनका नाम। शाहिद, इस कामयाबी के लिए ऑफकोर्स मेहनत तो है ही, लेकिन अगर मैं बात करूँ उन लोगों के बारे में बताओ जिन्होंने आपको इनक्रेज किया। जी, मतलब जब मैं 11th में यहाँ पर आया तो होप क्लास ज्वाइन किया था मैंने और टीचर्स और पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट रखा। एब्सोल्युटली। सो एक्सपेक्ट किया था कि 660 मार्क्स होंगे या जब एग्जाम के लिए अपेयर किया था? अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें पता होता है, ये श्योर टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया था। मतलब टीचर्स ने ये बताया कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, मतलब तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो, तो उसकी वजह से मतलब फिर मेहनत की, हार्ड वर्क की और दिमाग में यही रखा कि कुछ बड़ा करना है तो अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो फिर हार्ड वर्क की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है और डिसिप्लिन रखा अपने लाइफ में, सोशल मीडिया से दूर और जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनसे दूर रहा। तो रूफ 666 मार्क्स थे इनके और ये शुपियन से हैं। और रूफ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो आपको भी देख रहे हैं? पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस बड़ी कामयाबी से नवाजा है। अब रहा बात उन बच्चों की जो आप नीट में प्रिपेयर होने वाले हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स और एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसको बार बार रिवाइज करते रहे। तो अभी हम बात करेंगे साहिल से। साहिल इज फ्रॉम सोपोर। मेरा सोपोर के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, ग्रोन अप इन सोपोर। खैर साहिल, कैसे बयां करोगे अपने इस सफ़र को? सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम साहिल सुबान खांडे है, मैं एक लोकल विलेज भालट सोपोर से हूं, जहां पर जो है बेशतर लोगों का जो है शोबा वो फार्मिंग से है। मैं 2021 में यहाँ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में आया, जहाँ पर मेरे उस्तादों ने न सिर्फ मुझे एजुकेशन के लिहाज से इस लायक बनाया मैं एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकूँ, बल्कि अदब के लिहाज से भी, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स जो हैं बार बार हमें इस चीज़ का जिक्र करते थे कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत काबिल थे लेकिन इसको नहीं कर पाए, उनमें खामियां जो हैं दूसरी चीज़ों पर रही। तो उन्होंने जो है न सिर्फ हमें इलम के लिहाज से इस लायक बनाया बल्कि दूसरे लिहाजों से, अदब के लिहाज से भी इस लायक बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत फजल करम रहा, बहुत ज़्यादा हमदोसना अल्लाह ताला की ओर हो और बहुत ज़्यादा
दुरुद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया टीचर्स का हो जिन्होंने मुझे जो है बहुत गाइडेंस दी, और मैं नीट 2021 में जो है एक शानदार कामयाबी के साथ मेरे 652 points लाए। क्या कहना चाहोगे अपने इस सफ़र के बारे में, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहोगे, और कितना आसान या कितना मुश्किल आपके लिए सफ़र? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह, माय पेरेंट्स, माय अंकल एंड एसिन अंकल, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू होप क्लासेस। मैं पहले बिलो एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं था, बिलो एवरेज। फिर मैंने क्या किया, पापा ने मुझ पर भरोसा किया, जिसकी वजह से उसने मुझे कोचिंग भेजा श्रीनगर होप क्लासेस। मैं जब होप क्लासेस पढ़ता था, फिर जब मैंने एंट्रेंस दिया फिर भी फेल हुआ। पहले अटैम्प्ट में मैंने 530 लाए थे, मगर मैं ओपन मेरिट को नहीं हो सका। फिर बाद में क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुआ था, डिमोटिवेट हुआ था। फिर मैंने क्या किया, मैं क्वांटम सर के पास आया, उसने मुझे अच्छी तरह से मोटिवेशन दी, कहा ऐसा होता है, सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से मुझे बहुत बूस्टअप हुआ। फिर मैंने फिर से नए कोचिंग स्टार्ट की थी, जिसकी बदौलत से, उस मोटिवेशन की बदौलत से मैं आज यहाँ पे हूँ, आपके सामने आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बच्चे जो हैं माशाल्लाह, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया। कहने की बात यह है कि मोटिवेशन बरकरार थी जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गए उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में उससे बेहतर वे में कारकर्दगी अपनी दिखाई। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत हार्डवर्क और एक बेंड ऑफ माइंड जो है वो इसकी तरफ होना चाहिए, और यू जस्ट नो की वॉट यू हैव टू डू। थैंक यू।